अस्सलाम वालेकुम। आज हम रोस्टेड गार्लिक चिकन बनाएंगे, जिसके लिए हमने लेग पीस बड़े लिए हैं 4। गार्लिक पेस्ट लेंगे 1 टेबलस्पून भरकर। लेमन जूस लेंगे 4 टेबलस्पून, बड़े 2 लेमन लिए हैं, 4 टेबलस्पून भरकर लेमन जूस लेंगे। मसालों में हमें चाहिए नमक 1.5 टीस्पून या 2 टेस्ट। रेड चिली फ्लेक्स लेंगे 2 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर लेंगे 2 टीस्पून। चाट मसाला लेंगे 2 टीस्पून। ड्राई रोस्ट जीरा लेंगे साबुत 2 टीस्पून। कुकिंग ऑयल लेंगे 1 टेबलस्पून। अब हमने एक बॉल ले लेना है, इसमें हमने गार्लिक की पेस्ट डालनी है 1 टेबलस्पून भरकर। चिकन पर लगाने के लिए हमने मसाला तैयार करना है। नमक हमने आधा टीस्पून या थोड़ा सा ज्यादा डाल लें, आधा नमक हमने बचा लेना है। लेमन जूस डालेंगे 4 टेबलस्पून, बड़े 2 लेमन हमने निचोड़े हैं, थोड़ा सा ज्यादा ही होगा 4 टेबलस्पून से। चाट मसाला डालेंगे 2 टीस्पून भरकर। ड्राई रोस्ट जीरा डालेंगे साबुत 2 टीस्पून। रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे 2 टीस्पून। कुकिंग ऑयल डालेंगे 1 टेबलस्पून। गरम मसाला पाउडर डालेंगे 2 टीस्पून। अब हमने इन सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। मसाले को मिक्स करके हमने एक साइड पर रख देना है। अब मसाला हमारा चिकन पर लगाने के लिए रेडी है। बहुत मज़ेदार घर में रोस्ट चिकन तैयार हो जाती है। मसाला इस तरह से रेडी करके हमने एक साइड पर रख देना है। अब हमने एक पैन लेना है, आग को हमने मीडियम टू लो रखना है। इसमें हमने चिकन के पीस डाल देने हैं, बड़े पीस हैं लेग वाले, पूरे 4 पीस डालने हैं। इसमें हमने आधा कप पानी डाल देना है। आग को हमने हल्का ही रखना है, इस पर हमने ढकना लगाकर इसको पकाना है। थोड़ी देर के बाद हमने इनकी साइड चेंज कर देनी है और पानी को हमने पूरा खुश्क कर देना है। इसमें हमने नमक डालना है, नमक टू टेस्ट, आप जितना भी लाइक करें उतना ही नमक डाल दें। ये आपने ध्यान रखना है कि चाट मसाले के अंदर भी नमक है। आधा टीस्पून के बराबर इसमें हमने नमक डाल देना है। नमक डालकर ढाँप कर हमने इसको पकाना है, जब तक चिकन थोड़ी गल जाए और पानी खुश्क हो जाए। आग को हमने हल्का ही रखना है। चिकन को हमने मीडियम टू लो आग पर 6 से 7 मिनट तक एक साइड से पका लिया है। अब हमने इसकी साइड चेंज कर देनी है। साइड चेंज करके हल्का हल्का नमक हमने दूसरी साइड पर भी डाल देना है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें। अब हमने दोबारा से ढकना लगाकर 5 से 6 मिनट तक हमने दूसरी साइड से भी पकाना है। बस आग आप इतनी रखें कि ये पानी जो है ये ड्राई हो जाए और चिकन गल जाए। चिकन को हमने 6 से 7 मिनट तक पका लिया है। अब चिकन का पानी जो है ये खुश्क होने वाला है। अब हमने आग को बंद कर देना है। आग को बंद करके चिकन को हमने ठंडा कर लेना है।
चिकन को हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। अब हर थोड़ी सी ठंडी हो गई है, अब हमने इसके ऊपर मसाला लगा देना है। ये जो मसाला है ये 4 पीसों के लिए है, मेरे पीसेस बहुत बड़े हैं इसलिए मैंने 3 ही बनाए हैं। ये मसाला आप पूरे 4 पीसेस के ऊपर लगा सकते हैं। मसाला लगाकर एक ब्रश की मदद से हमने सारी साइडों पर लगा देना है पूरी चिकन के ऊपर। सारी साइडों पर अच्छी तरह से हमने सारा मसाला लगा देना है चिकन के ऊपर। सारी चिकन के ऊपर हमने मसाला लगा दिया है। इस तरह से अगर आप घर में कोई मेहमान आ रहा हो तो आपके पास वक्त ना हो तो आप इस तरह से चिकन को उबालकर इसके ऊपर मसाला लगा के रख दें, तो अचानक से कोई मेहमान आए तो आप बस इसको फ्राई करेंगे। हम अभी आपके सामने इस तरह से आपका मज़ेदार चटपटा रोस्ट तैयार हो जाएगा। इसको आप मसाला लगाकर फ्रिज में भी रख सकते हैं। अब हमने उसी पैन को साफ़ कर लेना है। आग को हमने मीडियम टू लो रखना है। इसमें हमने कुकिंग ऑयल डालना है। कुकिंग ऑयल हमने 5 से 6 टेबल स्पून डाल लेने हैं। ऑयल जो है ये आधा इंच होना चाहिए पैन के अंदर। अब ऑयल को हमने थोड़ा सा गर्म होने देना है। ऑयल को हमने थोड़ा गरम कर लिया है। आग को हमने मीडियम टू लो रखना है। अब हमने इसमें चिकन के पीसेस डाल देने हैं जिन पर हमने मसाला लगाया हुआ है। अब हमने चिकन को इस तरह से ऑयल में रोस्ट कर लेना है। बाकी का बचा हुआ मसाला भी अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो इसके ऊपर डाल लें, थोड़ा सा ऊपर लगा दें। मज़ेदार सा चिकन का रोस्ट घर में तैयार हो जाता है, बहुत ही चटपटा जायकेदार। मीडियम टू लो आग पर चिकन को हमने दोनों साइडों से ब्राउन करना है। दो मिनट के बाद बस आप पास ही खड़े रहें, थोड़ी देर के बाद इसकी साइड चेंज करते रहें। चिकन को हमने रोस्ट कर लेना है। दोनों साइडों से हमने चिकन को ब्राउन कर लेना है। चिकन की हमने साइड चेंज करते रहना है ताकि अच्छी तरह से चिकन जो है दोनों साइडों से ब्राउन हो जाए। अभी 2 मिनट में मज़ेदार सा हमारा रोस्ट तैयार हो जाएगा। आप घर में बहुत आसानी के साथ मज़ेदार चिकन के लेग पीस इस तरह से तैयार कर सकते हैं। घर में कोई भी मेहमान आए अचानक से, और बहुत जल्दी बन जाती है। चिकन उबाल कर आप मसाला लगा कर रख लें, शाम की चाय के साथ भी आप खा सकते हैं, या आप रोटी के साथ भी या नान के साथ भी खा सकते हैं। साथ में आप चटनी बना लें और रोस्ट बनाएं घर में और मज़ा लें। अब चिकन जो है ये दोनों साइडों से देखिए ब्राउन हो गई है। अच्छी
तरह से चिकन को हमने रोस्ट कर लेना है। अब चिकन हमारी रेडी है, इसको हमने एक प्लेट में निकाल लेना है। आग को हमने बंद कर देना है। अब चिकन हमारी रेडी है। अब हमारी बहुत ही मज़ेदार रोस्टेड गार्लिक चिकन तैयार है। इस तरह से आप भी चिकन के पीस बनाइए, खुद भी खाइए, सबको खिलाइए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपकी कोई फरमाइश है तो आप मेरे फेसबुक पर मैसेज करें या इस वीडियो पर कमेंट्स करें। मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो थम्स अप दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।